1665 में आज ही के दिन न्यू एम्स्टर्डम कानूनी तौर पर ब्रिटेन का हिस्सा बना और यॉर्क के ड्यूक के नाम पर इसका नाम न्यूयॉर्क रखा गया। 1691 में पोप अलेक्जेंडर 8वें की जगह इनोसेंट 12वें पोप बने। 1787 में आज ही के दिन अमेरिका में सीनेटर के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा कानून पारित हुआ। 1926 में आज ही के दिन ब्राजील ने लीग ऑफ नेशन से बाहर आने का फैसला किया। 1952 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत रूस ने जापान के साथ शांति संधि को अवैध घोषित किया। 1964 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा हुई। 1972 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर का निधन हुआ। उन्हें मुख्यतः महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी नाम से महात्मा गांधी की 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाना जाता है। उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्होंने पुरस्कार लेना अस्वीकार्य कर दिया और उसके बदले एक घड़ी स्वीकार की। 1975 में आज ही के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी करार दिया। 1991 में आज ही के दिन बोरिस येल्सिन तत्कालीन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने। 2002 में आज ही के दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत हुई। 2015 में आज ही के दिन चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार नेक चंद सैनी का निधन हुआ। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।